4G की मोबाइल में 5G की सेटिंग कर सकते हो, इनफैक्ट तुम भी। तुम चाहो तो इस ऐप जिसके जरिए से इस मोबाइल के सारे ऐप्स अनलॉक्ड हो गए हैं, इसके हेल्प से तुम अपने एंड्रॉइड के फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हो। और हाँ, ये ऐप पर्सनली तुम्हारे और तुम्हारे फोन के लिए कैसे यूजफुल हो सकता है वो भी बताऊंगा। बने रहो वीडियो में, आज थोड़ा ही सही पर कमाल का ट्रिक लेकर जाओगे। ओके, ऐप ओपन करते ही ये सारे ऐप्स को एक बार लोड कर लेता है। वैसे हाँ, इस ऐप की एक और खास बात यह है कि ये ऐप ओपन सोर्स है, और ओपन सोर्स ऐप के क्या क्या फायदे होते हैं वो तुम बाद में देख लेना। सो ऐप्स लोड हो जाते ही ये हमारे सारे सिस्टम ऐप्स से लेके यूजर ऐप्स दोनों को एक जगह पर लिस्ट कर देता है, और जिसे एक्सेस भी हम कर सकते हैं। ये तो मैं नॉर्मल बात बता रहा था इस ऐप का, एडवांस और यूजफुल फीचर्स की बात अब करते हैं। भाई 400 से ज्यादा ऐप्स लिस्टेड है यहाँ, और फोन के सेटिंग में कितने दिखते हैं, मुश्किल से 50 भी नहीं। दैट मींस कि थोड़ा टाइम दो अगर तुम तो काफी यूनिक फीचर्स निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने भी टाइम दिया था तो मुझे भी काफी सारे फीचर्स मिले, उन्हीं में का मैं दो फीचर्स बता देता हूँ। पहला, यहाँ कॉल सेटिंग में आना, स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ एक कॉल सेटिंग नाम का एक्टिविटी होगा। वेट, हाँ ये रहा, मेरा मोबाइल 4G है पर सेटिंग्स यहाँ 5G तक के डले हुए हैं। पहले मुझे एक ही डाउट लगता था कि जब कंपनी ने ऐसे फीचर्स डाल रखे हैं मोबाइल में तो उसे एक्सेस करने का बटन क्यों हाइड कर रखा है। बाद में पता चला कि कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती उस वक्त के फ्लैगशिप फोन्स के लिए है, और बाद में उसे हर फोन के हिसाब से फीचर्स को इनेबल डिसेबल करके सारे फोन्स को चिपका देती है। बढ़िया है भाई, वक्त बचा रही है कंपनी। खैर, 4G बैंड के भी काफी सारे सेटिंग्स हैं यहाँ, तुम यहाँ से कुछ चेंजेस करके देख सकते हो अगर तुम्हारा नेटवर्क डल मिलता है तो। बट हाँ, विंडो बंद करने से पहले इसे ऑन कर लेना, नहीं तो सेटिंग्स अप्लाई ही नहीं होगा। और दूसरा छुपा हुआ फीचर सिस्टम UI डेमो मोड का है, इसे एक्सेस करने के लिए थोड़ा नीचे आते हैं। ये रहा सिस्टम UI, अब इसमें भी थोड़ा नीचे आते हैं। ये रहा एक्टिविटी सिस्टम UI डेमो मोड का। यहाँ से भी तुम अपने फोन को थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि स्टेटस बार के एलिमेंट्स को इनेबल डिसेबल करना, और अपने क्लॉक में सेकंड्स भी इनेबल कर सकते हो। बट पता नहीं क्यों मेरा ही सेकंड इनेबल नहीं हो रहा है। और कोई खास एक्टिविटी तुम्हें स्पेशल लगे तो उसका शॉर्टकट भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने इस लॉक ऐप वाले एक्टिविटी के लिए यही किया हुआ है, क्योंकि लॉकर ऐप मेरे मोबाइल में है तो, पर कंपनी ने इसे भी छुपा के रखा हुआ है। पता नहीं कंपनी को क्या प्रॉब्लम है हमारे जैसे बंदों से। ये एक्टिविटी लॉन्चर ऐप तो एडवांस है ही, साथ ही साथ ये तुम्हारे काफी टाइम भी सेव कर सकता है, और हेल्पफुल तो है ही, जो कि अभी तुमने देख ही लिया कि अपने फायदे के लिए कैसे तुम इसे यूज कर सकते हो। और इसीलिए तो ये एप्लीकेशन मेरे फोन में तब से है जब से मैंने इसे ढूंढा था, और आगे भी इंस्टॉल करने का कोई इरादा नहीं है। ये सब चीजें एक तरफ और ऐप का साइज एक तरफ, सिर्फ 1 MB का ऐप है ये। सोच सकते हो कि ये कितना बैटरी और प्रोसेसर लेगा तुम्हारे फोन का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस ऐप का लिंक डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में तुम ये डाल देना कि इसे इंस्टॉल करने वाले हो या नहीं। बाकी जेन्युइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो तलाश रहे हो तो इस पर क्लिक कर सकते हो।